और आज की जो वीडियो है वो बहुत ऐसे लोगों के लिए है जो इतना पढ़ना लिखना नहीं जानते, इतना पढ़े लिखे नहीं है और उनकी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है और फिर भी वो ब्लॉगिंग के थ्रू अपनी अर्निंग करना चाहते हैं। आज की वीडियो उनके लिए लिए। इससे पहले कि हम वीडियो का आगाज करें, तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि तनवीर एमएस स्पीक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करने के बाद ऑल को क्लिक करें ताकि तमाम के तमाम नोटिफिकेशन आपकी ईमेल आईडी पे पहुंच सके। इसके अलावा ये ब्लॉगिंग का कोर्स जो हमने AIOU सब्जेक्ट लेक्चर के साथ साथ जो अपलोड किया हुआ है वो यहाँ से अपने सीखने के बाद लेक्चर लेने के बाद वो अपने इस काबिल हो सकेंगे वो कि वो ब्लॉग अपना क्रिएट करने के बाद उसे अर्निंग का आगाज कर सकें, जिस तरह हमने ये फैशन ब्लॉग के नाम पे जो ब्लॉग स्टार्ट किए थे इसकी तमाम की तमाम वीडियो यहाँ पे अपलोडेड है। और आज हम जो करने वाले हैं कि आज आपने किस तरह आपने कॉपी पेस्ट करके कोई भी लेक्चर कोई भी आर्टिकल किसी और वेबसाइट से किस तरह आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। आपके पास इतनी एजुकेशन नहीं है, आप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं और आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं और सीखने के बाद आपने वो किस तरह ब्लॉगिंग करनी है और इससे एडसेंस का अप्रूवल भी होगा और आपका अर्निंग की आगाज भी आ गया। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ कि आपने किस तरह कॉपी पेस्ट करने के बाद अपनी अर्निंग का आगाज करना है थ्रू राइटिंग। ब्लॉग क्रिएट आपका हो चुका है, आपका ये आपके सामने इस तरह का आपने ये एक दो पोस्ट आपने क्रिएट की हुई है, ये आपके सामने की हुई है, ये वही ब्लॉग हमने जो क्रिएट किया था वही है। तो आज हमने अपनी एक वेबसाइट के थ्रू आप कोई भी किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे, ये है medium.com, यहाँ पे ये एक आर्टिकल है जो फैशन से रिलेटेड है कि उसने दो बच्चों को देखा और वो साइकिल पे चल रहे हैं, हमने इसको कि वो वॉक कर रहे हैं वो इमेज लगाना है। ये लिखने के बाद ये आपने कॉपी करनी है और आपने इसको कन्वर्ट करने के बाद जो हम मैं आपको सिखाने के लिए जा रहा हूँ उसको आर्टिकल को करेंगे कॉपी और वहां पे पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा उसको स्पिन देंगे और वो आर्टिकल रीराइट हो जाएगा। फिर उसका हम प्लेट चेक करेंगे, प्लेट चेक करने के बाद वो इस काबिल हो जाएगा कि आप उसको अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर सकें। तो आइए चलते हैं, ये ऑलरेडी हम medium.com वेबसाइट है और आपको कोई भी कंटेंट आप ले सकते हैं, कोई भी आप आर्टिकल ले सकते हैं। यहाँ से हम करेंगे इसको कॉपी। कॉपी करने के बाद ये डियर स्टूडेंट ये स्पिन बोट है, ये आर्टिकल राइटिंग है, इसको इसके थ्रू हम जो है ना वो आप अपना आर्टिकल जो लिख सकते हैं। यहाँ पे आप उस आर्टिकल को यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इसको सारे का सारा हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम इसको ले आएंगे स्पिन बोर्ड पे जहाँ पे हम आर्टिकल को रीराइट करना है, यानी कि उसका स्पिन करना है। तो डियर स्टूडेंट ये आपके सामने यहाँ पे मैं इस आर्टिकल को वहाँ से medium.com वेबसाइट है या आपका इसके अलावा कोई भी और भी आर्टिकल हो उसको पेस्ट करने पर हम इसको स्पिन करेंगे, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करने के बाद अकॉर्डिंग टू इंटरनेट स्पीड कि आपके पास नहीं कौन उसका इंटरनेट लगा हुआ है आप इसको स्पिन करेंगे। तो हम आ जाएंगे यहां पे स्पिन बोर्ड लिखेंगे, स्पिन बोर्ड को क्लिक करेंगे गूगल पे और ये ठीक एक दो सेकंड के बाद आपके सामने आपका जो है ना वो आर्टिकल रीराइटर ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट जो किया हुआ अपना आर्टिकल वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। आर्टिकल पेस्ट करने के बाद इसको हम स्पिन करेंगे और ये ठीक एक दो सेकंड या डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड आपको ये आर्टिकल रीराइट होकर यहाँ पे आपके सामने ये आ जाएगा। हम यहाँ से करेंगे कॉपी, कॉपी करने के बाद हम अपने ब्लॉग पे आएंगे, ब्लॉग पे करेंगे न्यू पोस्ट पे क्लिक ताकि आप क्रिएट पोस्ट जो है ना वो
हो रही है और ये हो जाएगी आपके सामने, न्यू पोस्ट क्रिएट होगी ये यहाँ पे। वहां से हमने स्पिन बोर्ड से जहाँ पे आर्टिकल रीराइट किया है, कॉपी करने के बाद आपका जो भी आर्टिकल जिसको भी आप लिखना चाहते हैं, जो भी आपका टॉपिक है किसी भी किस्म का जो होगा, वह आपने वहां से करने के बाद आपने न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है। और न्यू पोस्ट क्लिक करने के बाद स्पिन बोर्ड से जो भी आपने आर्टिकल को कॉपी किया यहाँ से, इसको यहाँ पे करेंगे पेस्ट और इसको देंगे हेडिंग, मेजर हेडिंग। हेडिंग देने के बाद इसको हम करेंगे जस्टिफाई, सेंट्रल लाइन करेंगे, और सेंट्रल लाइन करने के बाद इसी को करेंगे कॉपी और इसको देंगे हम अपना टाइटल। तो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि हमने अपना जो आर्टिकल है वो वहां से रीराइट किया है, और रीराइट करने के बाद वहीं से ठीक जो वो भी आप अपना लिखना चाहते हैं इसको यहाँ पे कर दिया है कॉपी एंड पेस्ट। इसकी थोड़ी सी जस्टिफिकेशन करेंगे ताकि इसको और खूबसूरत लगे, और इसको सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे। ये देखें, इसकी अलाइनमेंट सेट होगी। अलाइनमेंट सेट होने के बाद हम जो है ना, आप आ जाएंगे कि इसको थोड़ा सा एक इमेज लगाते हैं कि इसके थ्रू हमने ये दो किड्स हैं, और ऑलरेडी मैंने एक इमेज लिया हुआ है और वो बाइक चला रहे थे बच्चे, और हमने जो है ना वो यहाँ से सिलेक्ट करना है एक और। ये unplash.com जो फ्री राइट इमेज की एक वेबसाइट है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और ये आपके सामने इमेज जो है ना अपलोड हो रहा है। और ठीक आपके इंटरनेट की स्पीड के मुताबिक जो भी आपने कनेक्शन लगाया होगा उसके अकॉर्डिंगली ये अपलोड हो रहा है, और थोड़ी देर के बाद जब ये अपलोड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके सामने आप इमेज को सिलेक्ट करेंगे, आप आर्टिकल के साथ आपके साथ इसको फिट कर देंगे। ये चूंकि मैं यहाँ पे जो डाटा यूज कर रहा हूँ वो एक ऐसी कंपनी का है, उसमें स्पीड स्टूडेंट ये आपका सामने, इसको हम करेंगे सिलेक्ट, अपलोड हो गया इमेज हमारा, और हम इसको सिलेक्ट करने के बाद ये आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम जो है ना ऐड कैप्शन करेंगे, ऐड कैप्शन आपका यहाँ से अपना आपका टाइटल होगा यहाँ से उठाएंगे, और यहाँ पे हम जो है ना वो पेस्ट कर देंगे इस जगह पे। इसके अलावा इमेज की एसईओ होगी, इमेज की एसईओ हमने यहीं पे उठाना है, और इसको हमने करना है लार्ज, ऑल टेक्स्ट पे कॉपी करेंगे। इसके अलावा टाइटल टेक्स्ट कॉपी करेंगे और इसको अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद हम इस थोड़ी सी सेटिंग करते हैं ताकि ये और आपको खूबसूरत लगे, और आप इसमें देख दें, ये आपने देखा होगा कि आपकी थोड़ी सी ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, और मैंने ग्रामरली इंस्टॉल किया और वहां से ये ऑटोमेटिकली ये चीजें भी ये रिमूव हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू ग्रामरली, कि आपकी इस आर्टिकल की ग्रामर किस तरह है वो भी चेक हो रही है। और ये आप ये इसने ओके कर दिया, हम इसको सेट करेंगे। सेट करने के बाद ये आपने सारे का सारा इसका मुआयना किया, मुआयना करने के बाद हम आ जाएंगे दोबारा उसी वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आने के बाद देखेंगे कि उसने किस किस चीजों पे जो है ना वो इस चीज का टैग बनाया है, कौन कौन सी चीजें इसमें टैग लगाई गई हैं। आप देखेंगे ये टीनेज है, और इसके अलावा इसको हम टैग लगाएंगे, इसके अलावा फैशन है, फैशन ब्लॉगर है, फैशन ट्रेंड्स है, और स्टाइल है, इसके अलावा स्टाइल गाइड्स है, और ये चीजें इसमें जो है ना हम इसके ये करेंगे, इसकी एसईओ सेट करेंगे, और इसके लेवल्स लगे, लेवल्स लगने के बाद सर्च डिस्क्रिप्शन में हम जो है ना इसको यहाँ पे भी आपके सब्सक्रिप्शन में आपका कीवर्ड यहाँ पे फिट कर देंगे, और यहाँ पे आपका जो है ना वो चंद ये पहले जो आपके कीवर्ड है इसको हम उठाएंगे और आपके डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको पेस्ट कर देंगे ताकि ये पता चल सके कि ये किस पे ये लिखा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका आज का कॉपी पेस्ट वर्क।
जो ऑटोमेटिकली हमने वहां से आर्टिकल, एक वेबसाइट है वहां पे आपने उठाया, आपने सेम एज इट इज ऐसे ही कॉपी करके और इसको मोनेटाइज करके वहां पे आपने इसको पेस्ट करना होता है और ये आपका आर्टिकल तैयार हो जाएगा। इसके अलावा एक और स्टेप है कि आपने ये आर्टिकल यहाँ से कॉपी करने के बाद आप इसका प्लेजरिज्म भी चेक कर सकते हैं कि आया कि ये चीज जो है इसको कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करने के बाद कि इसका प्लेजरिज्म तो नहीं है, क्या ये यूनिक आर्टिकल है, और ये जो यूनिक है ये आपका, यहाँ पे हम इसको करेंगे ये प्लेजरिज्म चेकर है, और ये आप गूगल में जाके प्लेजरिज्म चेकर करेंगे, ये मैंने ऑलरेडी आपने इसकी वेबसाइट खोल के रखी हुई है प्लेजरिज्म चेकर की, और यहाँ पे नीचे आके इसको प्लेजरिज्म चेक करेंगे, इसमें अपना आर्टिकल पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद हम आई मीन ऑर्डर रिपोर्ट को क्लिक करेंगे, और ठीक ये 1-2 सेकंड के बाद जब ये टिक का निशान दे देगा, ये आपका कोई प्रॉब्लम कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट, हम जो है ना इसको एक और साइड पे देखते हैं। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने के बाद हम जो है ना वो नीचे इसको आई एम नॉट रिबोट को क्लिक करेंगे, तो जब ये कैप्चा क्लियर हो जाएगा तो हम जो है ना इसको चेक प्लेजरिज्म के लिए सेंड कर, ये बटन प्रेस कर देंगे। तो डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड आप देखेंगे कि ये आपका थोड़ी देर के बाद आपका जो प्लेजरिज्म है वो चेक होना शुरू हो जाएगा, और ये यहाँ पे उसकी जो स्ट्रेंथ है कि कितना प्लेजरिज्म है, यानी कि कॉपी है सेम एज इट इज, ये चेक होगा, और ये यहाँ पे स्टूडेंट ये आपके सामने रिजल्ट इसका आ गया, इसने 100% चेक किया, 0 प्लेजरिज्म आया और 100% इसका यूनिक रिजल्ट निकला, जो हमने स्पिन बोर्ड पे आर्टिकल वहां से उठा के medium.com से यहाँ पे हमने रीराइट किया, और यहाँ से कॉपी करवाने के बाद हमने उसका प्लाजरिज्म चेक किया। प्लाजरिज्म का मतलब होता है कि आपने सेम एज इट इज है या यूनिक है, तो 100% हमारा जो यूनिक आर्टिकल है अभी हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे जो है ना वो हम जो पेस्ट किया है वहां पे, और हमने जो आर्टिकल वहां पे पेस्ट किया है और वहां पे हमने अभी जाकर पब्लिश करना है। तो हम डियर स्टूडेंट, ये था आपका सेटिंग करने के बाद के वीडियो का पूरा आर्टिकल, और हमने ये आर्टिकल आपके सामने, आपकी आंखों के सामने ये कॉपी एंड पेस्ट करके यहाँ पे हमने किया है पब्लिश के लिए तैयार, और अभी हम जो है ना वो एंड पे इसको पब्लिश को क्लिक करेंगे और इसको कंफर्म करेंगे और ये पब्लिश हो जाएगा। ठीक 1-2 सेकंड के बाद ये आपकी पोस्ट जो है ना वो पब्लिश होगी, और ये यहाँ पे आप देखेंगे ये। ये हमारी जो है ना अभी वाली पोस्ट जो हमने अभी पब्लिश की है, कॉपी एंड पेस्ट, ये आपके सामने। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर जो हमने कॉपी एंड पेस्ट, जो पढ़ा लिखा नहीं जानते इतना, और वो आर्टिकल को कॉपी एंड पेस्ट करके उसका प्लेजरिज्म चेक करने के बाद यहाँ पे अपना जो स्टॉन्स है वो यहाँ पे अपना पब्लिश कर सकते हैं, और ठीक जब आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी तो इसको हम मोनेटाइजेशन के लिए भेज देंगे गूगल एडसेंस की तरफ, और आपका ये आर्टिकल
पब्लिश हो गया। तो ये था आज का टॉपिक। तो इससे पहले कि हम इस अब आपको अल्लाह हाफिज़ करें, तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आपकी ईमेल आईडी पे पहुंच सके। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।